बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद अर्शी खान के लुक और बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और रिसेंटली अर्शी को स्पॉट किया गया एक ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन में, जहां खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में अर्शी खान लग रही थी बेहद गॉर्जियस। तो वहीं अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहा अर्शी ने, आइए आपको सुनाते हैं खुद अर्शी की जुबानी। मैं हर खास मौके पे बहुत खुश होती हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हर जगह दिख जाती हूँ। नॉट हर जगह बट स्पेशल हर जगह, मतलब स्पेशली मतलब वो समझ लो आप। अब एक्चुअली हर जगह तो नहीं जा सकते, बहुत खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। अर्शी जी, आज साड़ी में दिखाई दे रहे हो, क्या स्पेशल है आज और क्या कहना चाहेंगे कॉस्ट्यूम के बारे में? मैं निरुषा जी ने ये डिज़ाइन किया हुआ है और उन्हीं की चीज़ें हैं, मतलब उन्हीं के ड्रेसेस रहते हैं ज़्यादातर मैं जो वेयर करती हूँ और वो मुझे बड़ा इंडियन लुक देना चाहती हैं हमेशा से, क्योंकि आपने बिग बॉस में मुझे हमेशा 90s में देखा होगा, इसमें देखा होगा, तो इन्होंने मेरी पूरी इमेज ही चेंज कर। अगर आपने इसको आज रजिस्टर किया है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब रजिस्टर हो चुका है ना। वो अपने आप में बहुत ग्लैमरस, खूबसूरत, इंडियन ऑलरेडी है, बस उसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। एंड आई एम द लकी वन, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेयरिंग टुडे निरुषा, आई एम द लकी वन एक्चुअली। आई लव व्हाट आई एम वेयरिंग, निरुषा डिडंट इवन लेट मी चूज व्हाट आई वाज सपोज्ड टू वेयर, शी सेड शानिया मैं डिज़ाइन कर रही हूँ एंड इट जस्ट फिटेड मी राइट, नो ऑल्टरेशन, आई लव इट एंड इट्स अमेजिंग, थैंक यू निरुषा। और मुझसे बोलती है साड़ी पहनने की, हाँ मतलब अब वो इसकी साड़ी भी मुझे नहीं पता क्या पहनेगी, मैं इसको भी कभी नहीं बताती, आई नेवर हैव क्या कलर भेज रही हूँ, कौन से कपड़े भेज रही हूँ, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि दैट दिस गाइस हैव सो मच ऑफ अ ट्रस्ट, यू नो इट्स मेक्स योर वर्क इजी। अरे यार निरुषा ने बोला I would like to thank both of you for coming, even Shania especially for showing so much support, so much love to a newcomer. Thank you so much. मैं जितेश के लिए कहना चाहूँगी, sorry to cut you जितेश, मैंने जितेश का स्टाफ देखा है, पिछले एग्जीबिशन में भी देखा था एंड देखा जो अभी स्पेशली शानिया कलेक्शन जो उन्होंने लॉन्च किया है और द वन शी इज़ वेयरिंग, सी डायमंड, वेन इट कम्स टू अ नेम डायमंड, इट्स ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द हाई, यू नो हाई एंड ज्वेलरी, अपर क्लास पीपल, पेज थ्री पीपल आर नॉन अफोर्डेबल, यू नो द मोमेंट इट कम डायमंड तो वो एकदम से ऐसा हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ द ज्वेलरी, द आर्ट क्राफ्ट, द डायमंड्स, द क्वालिटी, द शाइन and especially the affordability is the USP of the diamond, because diamond when it comes mujhe bhi do bar hi sochna padta hai no matter how many diamond kharidne ke wale, but jitesh ki jewelry jo maine dekhi mujhe laga this is the one he can target, even the middle class people can afford, or lower middle class people even, in fact when the earring is coming like a, you know, in bugs earrings are coming, diamond earrings, who doesn't want to buy? Thank everybody you so much. Sorry you so to much. Cut Nirusha, but I will say the same thing for Nirusha's collection. You know, if you go to big designers and you know, you get the same thing for a crazy price. I mean, these are so affordable, and you know, most importantly that we are supporting the khadi and the Indian heritage. So I think Nirusha, the same thing goes for you. Uske liye to hum sabhi inko karne wale hain support. Thank you guys. Big support. So much of love. मैं सभी तरीके की करती हूँ जो मुझे स्पॉन्सर कर दे, मुझे वही चीज़ पसंद है जो आराम से मिल जाए। अगर इससे अलग थोड़ी बात की जाए तो आजकल टीवी में बहुत कुछ चल रहा है, कपिल के ऊपर जी, देखिए कपिल के लिए मैं यही कहूँगी कि उनकी गलती थी और जो भी उन्होंने किया, लेकिन थोड़ा सा मीडिया को भी समझना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, घर की टेंशन रहती है, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हो सकता है गलती हुई है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए। तो आपकी कुछ बात हुई है कपिल से, अगर आप कुछ शेयर करना चाहिए या फिर फ्यूचर में कोई प्लान है कपिल के साथ काम करना? हाँ मैं ज़रूर इंशाल्लाह कपिल के साथ, कौन काम नहीं करना चाहेगा उनको, यहाँ नहीं बाहर भी बहुत लोग जानते हैं और इतने बड़े कॉमेडियन हैं, तो बिल्कुल ज़रूर करें। मैं किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, आरती नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज रूम की रिपोर्ट।